नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। पंजाब के विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सक कर्मचारी सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे हैं। लुधियाना के एक अस्पताल में स्टाफ नर्स के रूप में काम कर रही हरदीप कौर ने कहा, हम यहां आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करने के लिए आए हैं। अगर कोई भी बीमार पड़ता है तो हम सभी की सेवा करने के लिए तैयार हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी घमासान जारी है। शनिवार की रात उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में असामाजिक तत्वों ने बीजेपी के कार्यालय में आग लगा दी। इससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी पर आरोप लगाया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत बड़ी तेजी से गर्माती जा रही है। राज्य के सियासी दंगल में ममता बनर्जी को पटकनी देना आसान नहीं है। ममता स्ट्रीट फाइटर और जुझारू लीडर हैं। पिछले 10 सालों से बंगाल में वो राज कर रही हैं। करीब 5 घंटे चली बैठक के खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि पार्टी का भविष्य तय करने के लिए पहली बैठक हुई है और आगे ऐसी और भी बैठकें होंगी। यूपी के हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले के चारों आरोपी अब जेल के अलग अलग बैरकों में रहेंगे। एक दिन पहले ही सीबीआई ने सभी आरोपियों संदीप, रवि, रामू और लवकुश के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति सीज कर ली है। ईडी की ओर से जेके क्रिकेट एसोसिएशन के फंड घोटाले में फारूक अब्दुल्ला से संबंधित 3 घर, 2 प्लॉट और एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अटैच की गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने नाम बदलकर तलाकशुदा महिला के साथ 2 साल तक शारीरिक शोषण किया। युवक ने अपनी गलत पहचान बताकर महिला से पहले दोस्ती की और फिर उसके साथ संबंध बनाए। भारत सीमा विवाद के बीच WMCC की 20वें दौर की बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने 8 महीने से जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विस्तार से चर्चा की। बता दें कि WMCC की बैठक 2 महीने के बाद हो रही है। एडिलेड ओवल मैदान पर खेले गए पहले डे नाइट टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 8 विकेट से मात दी। टीम इंडिया को मिली हार के बाद विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने अनुष्का को खूब ट्रोल किया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध है। एडिलेड टेस्ट के तीसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरे मोहम्मद शामिल चोटी हो गए थे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध है। एडिलेड टेस्ट के तीसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरे मोहम्मद शमी चोटिल हो गए थे। उनके दाएं हाथ में फ्रैक्चर है। मोहम्मद शमी को चोट की वजह से रिटायर हर्ट होना पड़ा था। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे वीके न्यूज़। धन्यवाद।